धनबाद सदर अस्पताल में प्रसव पीड़िता के इलाज में लापरवाही के लग रहे हैं आरोप पर प्रबंधन ने दी ये सफाई। गत 11 दिसंबर को धनबाद सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान चिकित्सक के मौजूद नहीं रहने एवं नर्स द्वारा प्रसव कराए जाने और मृत बच्चे का शव अस्पताल परिसर में घंटों डब्बे में पड़े रहने को लेकर हो रही किरकिरी पर आज नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने मीडिया को सफाई दी और बताया कि प्रसव के लिए निरसा की रहने वाली नुपुर मांझी नामक एक महिला मरीज 11 दिसंबर को सदर अस्पताल में भर्ती हुई थी। बच्चे का धड़कन नहीं था, चिकित्सक के द्वारा जांच कर कागज में लिख दिया गया था। डिलीवरी के बाद मृत बच्चा पाया गया, मरीज के परिजन को इसकी सूचना दे दी गई थी। प्रसूता महिला ठीक है, डॉक्टर रोमा कुमारी के यूनिट में इलाज किया गया। बावजूद मीडिया में इस बात की अफवाह कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई कि अस्पताल में नर्सें डिलीवरी कराती हैं और चिकित्सक नहीं रहते हैं, अस्पताल को बदनाम करने के पीछे किसका हाथ है उस तत्व को चिन्हित किया जा रहा है। मामले की जांच अस्पताल प्रबंधन अपने स्तर पर करवा रहा है। वहीं दूसरे मामले में आमिका कुमारी नामक प्रसूता अस्पताल में भर्ती हुई, इस मामले में नॉर्मल डिलीवरी के बाद मृत बच्चा जन्म लिया और उसके बाद परिजनों के अनुरोध पर बच्चे के शव का अस्पताल प्रबंधन ने अंतिम संस्कार करवाया। अस्पताल प्रबंधन एक शव को डिस्पोजल करेगा और दूसरे को वही डब्बे में रखेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसमें साजिश हुई है। कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं कि सदर अस्पताल का संचालन बेहतर तरीके से हो पाए। देखिए, जो भी हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं हमारे अस्पताल में, कोशिश यही हम लोग का रहता है कि जैसे भी हो उसको बेटर सर्विस प्रोवाइड करें और किसी भी तरह का कोताही। अभी आप लोगों के माध्यम से ही हमको पता चला कि 11 तारीख के रात में ऐसे ऐसे घटनाएं घटी थी, जिस घटना में हम लोगों ने देखा कि जो भी रात में मरीज आया था हमारे पास तो वो रेफरल पेशेंट था जो कि निरसा से और तोपचाची से आया था और उसमें लगातार उसके पेपर में लिखा हुआ था कि बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है, जिसको कि हम लोगों ने पेशेंट पार्टी को बताया कि भाई आपके बच्चे के धड़कन नहीं, हम लोगों ने पेशेंट पार्टी से रिटर्न भी लिया और लिखवाया भी, और वो लिखवाने के बाद ही बच्चे का हम लोगों ने डिलीवरी करवाया। डिलीवरी करवा के जो भी वीडियो था जिस माध्यम से हम लोगों को पता चला कि बच्चे को जो भी हम लोगों बच्चे का बॉडी जो हैंडओवर किया उसमें आप लोगों से देखिएगा कि एक नया शीट एक नया टॉवल में लपेट के बच्चे को दिया गया है और ये कहीं से ना कहीं से इसको दुर्भ्रमित करके कि उसको कार्टून में रख के उसको इधर करके, जबकि ऐसा कोई भी मंशा नहीं है सदर अस्पताल की तरफ से कि किसी के मान को या किसी तरह का ठेस पहुंचाने का। हालांकि उसी दिन दो घटनाएं हुई थी, उसमें से एक पार्टी ने मुझे बताया था, एक पेशेंट पार्टी ने, कि भाई डिस्पोज करना है, वो हम लोगों ने उनके रिवाज के अनुसार डिस्पोज करवा दिया। दूसरे ने मना किया, बोले नहीं सर हम अपने घर में ही डिस्पोज करवाएंगे, तो उनको हैंडओवर किया गया था। और बच्चे के डिलीवरी जो हुआ था सुबह 5 बजे डिलीवरी हुआ था और ये घटना रात में 10 बजे की है, ये कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा समझ में नहीं आता कि रात 10 बजे तक आखिर पेशेंट पार्टी अपने बच्चे को, नहीं कोई साजिश, देखिए साजिश से मतलब नहीं है, साजिश है कि क्या है उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि कहीं भी किसी भी तरह के हम लोग सदर अस्पताल लगातार हम मेहनत कर रहे हैं और सर्विस तरीके से करना चाह रहे हैं, तो ये हम लोग चाह रहे थे कि कहीं भी लोगों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी भ्रम पैदा ना हो कि भाई वहाँ पर ऐसा हो रहा है चाहे इस तरह का घटना घट रहा है, ऐसा कोई भी घटना नहीं है। जो भी चीज़ है हम लोग अपने तरफ से और अपने स्तर से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बेटर सर्विस हम लोग प्रोवाइड करें धनबाद वासियों को। देखिए लगातार हम लोगों ने पेशेंट तो लगातार हमारा बढ़ रहा है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज संख्या बढ़ेगा, अगर हमारे यहाँ संख्या बढ़ती पीएमसीएच पे लोड कम हो रहा होगा। हाँ आज की बात है कि पीएमसीएच का लोड जो भी पेशेंट्स हैं जो कैरी ऑन कर रहे हैं ये मैक्सिमम हमारे डिस्ट्रिक्ट है धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, अगर पीएमसीएच में अगर लोड बढ़ रहा है तो पीएमसीएच देखिए डायरेक्टली 3-4 जिला से कनेक्टेड है, हाँ दूसरे जिलों को, तो अगर वो कर अगर हो तो जामताड़ा हो गया, गिरिडीह हो गया, दुमका हो गया, देवघर हो गया, उनके भी पेशेंट वहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो धनबाद जिला को धनबाद जिला
जो भी तो सुविधा हम लोग लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा सर्विस हम लोग देंगे। जी सी एस सी को हम बताया गया है जैसा भी है कि जो भी अगर आपको लगता जरूरत पड़े कि हाँ यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं तो उसको बेटर